गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शोर मचा हुआ है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने गुजरात के भार्गव रोड पर कुबेर नगर में रैली की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आजकल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लगता है। चेहरा रखना ही है तो गांधी जी जैसा रखो। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूँ कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सारे जो कल्चर है वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है, भारतीय लोगों का नजदीक नहीं है। वहीं आगे रैली को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में दिखाई नहीं देते, वो एक मेहमान के रूप में आए हुए हैं। शर्मा ने कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं है राहुल गांधी सिर्फ वहीं जा रहे हैं, लेकिन जहां पर चुनाव है वो वहां पर नहीं जाते, उन्हें हारने का डर है। कि कांग्रेस हमारा सामने होता है, लेकिन कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी है आज का लोग गुजरात में दिखाई भी नहीं देता है। आज जैसा एक अतिथि के रूप में आया है, हिमाचल में चुनाव हो गया, वहां में भी वो नहीं किया था। जो जो प्रदेश में चुनाव नहीं है उधर ही राहुल जी जाता है, जहां चुनाव है वो नहीं आते हैं। किसलिए? उनको हारने से डर है। वो जानते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहीं मैं हार जाऊंगा, मेरा जीतने का कोई उम्मीद नहीं है।